उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि उत्तर से अपराधियों का खात्मा कर दिया गया है। लेकिन अब एक ऐसा सनसनीखेज मामला अंबेडकर नगर से सामने आया है जिसने योगी आदित्यनाथ सरकार और सहयोगी दलों पर सवाल उठाए हैं और सहयोगी दलों में भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा पर सवाल उठे हैं, ओम प्रकाश राजभर पर भी सवाल उठे हैं। ओम प्रकाश राजभर सरकार के साथ हैं और सुशासन का दावा कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि अपराधी खत्म हो गए हैं, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का एक नेता जो ओम प्रकाश राजभर के साथ कई मंचों पर कुर्सी साझा कर चुका है, उनके साथ में मंच साझा कर चुका है, आवाम के सामने आ चुका है, उसको गिरफ्तार किया गया है और आरोप लगा है गांजा तस्करी का। जब से ये आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके बाद से लगातार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ओम प्रकाश राजभर पर भी खड़े हो रहे हैं कि वो तो कहते हैं कि उन्हें भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना पसंद आता है और वो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन अब उन्हीं का करीबी जिसके साथ उनके तमाम फोटो वायरल हो रहे हैं वो गिरफ्तार हुआ है और आरोप गांजा तस्करी का लगा है। यकीन नहीं आता तो पहले ये फोटो देखिए। तो तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें जो गिरफ्तार हुआ है वो नजर आ रहा है पुलिस कर्मियों के साथ और हाथ में एक पोटली पकड़ी हुई है और इस पोटली में ही वो तस्करी का सामान है जिसका आरोप इस नेता पर लग रहा है। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर जिसमें ओम प्रकाश राजभर के साथ ये नेता मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों तस्वीरें इसलिए आपको दिखाई गई हैं ताकि आप लोग ये समझ सकें कि दावे कितने सही हैं इन नेताओं के। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का ये प्रदेश महासचिव अशोक यादव है जो गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इस बात का कि ओम प्रकाश राजभर जो दावा करते हैं कि उन्हें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना पसंद है, लेकिन फिर ये क्या कि एक नेता जो अब गिरफ्तार हुआ है उसके साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनके राज्य में अपराधी प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं या परलोक सुधार गए हैं, तो फिर ओम प्रकाश राजभर जो उनके सहयोगी हैं उन्हीं की पार्टी का ये नेता क्यों गिरफ्तार किया गया है? ये क्या प्रदेश छोड़कर नहीं गया? क्या इसे सरकार के सुशासन की भनक नहीं थी? क्या इसे ये नहीं पता था कि अपराधी की प्रवृत्ति में अगर वो शामिल होगा तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? या फिर उसके अंदर ये भरा हुआ था कि सरकार की सहयोगी हमारी पार्टी है तो मैं कुछ भी करूंगा, मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी और ना ही मेरे ऊपर सवाल खड़े होंगे। अब सवालों में योगी आदित्यनाथ सरकार और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कब सुभाषपा प्रमुख के इस नेता का घर गिरवाएंगे और कब सुभाषपा प्रमुख से नाता तोड़ेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भी यही दावा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की जगह उनकी पार्टी में नहीं है और ऐसी पार्टियां जिनमें इस तरीके के लोग हैं उनके साथ भी वो किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखना चाहते। तो अगर संबंध नहीं रखना चाहते हैं तो फिर ओम प्रकाश राजभर के साथ गलवहियां क्यों की जा रही हैं? केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले में आखिर क्यों नहीं बोल रहे, वो भी चुप्पी साधकर क्यों बैठे हैं, जबकि दोनों ही तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि डबल इंजन की हमारी सरकार ने अपराधियों को खत्म कर दिया है और भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम ऐसे लोगों के साथ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो फिर ओम प्रकाश राजभर इसमें अपवाद साबित क्यों हो रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर के साथ इतनी गलवहियां बीजेपी क्यों बढ़ा रही है? सीधा सी बात है कि सियासी फायदा लेना है और जब सियासी फायदा लेना होता है तो अक्सर कहते हैं विरोधी ये कहते हुए आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वो गंगा है जिसमें कोई भी पाप करके आओ धुल जाते हैं, पाप साफ हो जाते हैं और जैसे ही पार्टी छोड़ते हैं उसके बाद फिर एक्शन का दौर शुरू हो जाता है। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए, सरकार बनी, मंत्री बने, कुछ नहीं हुआ और जैसे ही उन्होंने सपा का दामन थामा था उसके बाद से लगातार उनके खिलाफ तमाम आपराधिक फाइलें खुलनी शुरू हो गई थी। सवाल तभी उठे थे कि आखिर ऐसा बीजेपी क्यों करती है। ऐसे ही तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से भी। अब जो मामला सामने आया है इस मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है इसे सुभाषपा का प्रदेश महासचिव बताया जा रहा है, इसका नाम अशोक यादव है और अशोक की गिरफ्तारी के बाद से राजभर पर कई सवाल दागे जा रहे हैं और राजभर से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके के लोगों के साथ उनकी नज़दीकी का मतलब क्या है और इस तरीके के लोग उनकी पार्टी में आखिर क्या कर रहे थे। क्या सियासी संरक्षण उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिल रहा है जैसे कि अखिलेश यादव दावा करते हैं और क्या अपराध को खत्म करने में सरकार फेल साबित हुई है? आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।